प्यार से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य जो आपको जरूर जानना चाहिए। प्यार में पढ़ना एक शानदार अनुभव है जिसे हम में बहुत से लोग महसूस करते हैं। ये व्यक्ति को खुशी और गम दोनों देता है। किसी से सच्चा लव करने पर आपका खुशनुमा महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपका दिमाग में खुशी पैदा करने वाले केमिकल ज्यादा पैदा होते हैं। आप इसमें थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं। आज हम प्यार से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें आप किसी को बताएंगे तो वो आपसे प्यार करने लगेंगे। नवंबर माह में सबसे ज्यादा आई लव यू बोला जाता है। जब आपको किसी से प्यार में पड़ने का डर रहता है तो उसे फिलोफोबिया कहते हैं। वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार एक खूबसूरत चेहरा अच्छी बॉडी की तुलना में ज्यादा आकर्षक माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी को गले लगाना आपके नर्वस सिस्टम में पेन किलर की तरह असर करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर के 2% कपल्स अपने प्यार का इजहार पहली बार किसी मॉल या सुपरमार्केट में करते हैं। पूरी दुनिया में रोजाना करीब 30 लाख लोगों ने अपने पार्टनर के साथ डेट्स पर जाते हैं। 90% पुरुष आई लव यू कह के अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसमें महिलाओं का आंकड़ा शामिल नहीं है, क्योंकि सामान्यतः पहले अक्सर पुरुष ही करता है। इंटरनेट से पहले लॉल का मतलब होता था लॉट्स ऑफ लव। प्यार में पड़ने के बाद कम से कम दो दोस्त आपसे जरूर दूर हो जाते हैं। जो लोग ऑनलाइन में प्यार में पड़ते हैं उनमें से 23% जोड़े बाद में जाकर विवाह कर लेते हैं। 2014 में एरिजोना में एक कैदी वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जेल से भाग गया। साधारण लोगों में लव मैरिज की शुरुआत 18वीं सदी में शुरू हुई थी। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि प्यार में पड़ने वाला व्यक्ति अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। किसी शख्स को पसंद करने में हमें सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता है। कुछ मिनट के अंतराल में ही हम ये तय कर लेते हैं कि वो शख्स अच्छा है या नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्यार इंसान के दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां उसे परम सुख की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग्स होती है जैसे नशा करने के बाद महसूस होता है। जिंदगी में प्यार की अपनी अहमियत है। अगर किसी के जिंदगी में प्यार नहीं हो तो वो अवसाद और अकेलेपन का शिकार हो सकता है।